दोस्तों, इस महीने हम टॉप 3 सीरीज में तीन बड़ी ऐतिहासिक घटनाओं को आपके सामने पेश कर रहे हैं। इस कड़ी में आज हम बात करते हैं तीन ऐसी ऐतिहासिक महिलाओं की जिन्होंने अपने हुस्न को हथियार की तरह इस्तेमाल किया और पुरुष प्रधान समाज में काफी सफलता से शासन भी किया। तो आइए जानते हैं इन महिलाओं के बारे में। 14वीं सदी में कश्मीर पर शासन करने वाली कोटा रानी को बेहद खूबसूरत महिला होने के साथ ही बहुत अच्छी शासक और सैन्य रणनीतिकार माना जाता था। कोटा रानी की तुलना इजिप्ट की क्लियोपैट्रा या दिल्ली की सुल्ताना रजिया से करना अतिशयोक्ति नहीं होगा। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपनी खूबसूरती को अपने दुश्मनों के खिलाफ ढाल की तरह इस्तेमाल किया। कोटा रानी कश्मीर के राजा और लोहार वंश के सुहाव देव के कमांडर इन चीफ रामचरण की बेटी थी। रामचरण ने लद्दाख के रिंचिन को कश्मीर के प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन रिंचिन ने धोखे से रामचरण को मारकर उसके पूरे परिवार को कैद कर लिया। लोगों के विद्रोह को शांत करने के लिए रिंचिन ने रामचरण के बेटे रावण चरण को लद्दाख का प्रशासक बना दिया और उसकी बहन यानी कोटा रानी से शादी कर ली। रिंचिन की मौत के बाद कोटा रानी ने अपने बेटे को राजा बनाकर सत्ता की डोर अपने हाथ में रख ली। कोटा रानी ने भट्टबाल भिक्षन को अपना प्रधानमंत्री बनाया। कोटा रानी के इस रवैये के कारण शाह मीर नाराज हो गया और उसने विद्रोह कर दिया। जल्द ही उसे सफलता मिल गई। शाह मीर कोटा रानी की खूबसूरती पर पहले से ही फिदा था, इसलिए उसने रानी को जान के बदले शादी का आदेश दिया। कोटा रानी ने शादी की बात तो मान ली, लेकिन शादी की बात उसने अपनी आंत काट कर शाह मीर को शादी का तोहफा दिया। गुस्से में आग बबूला हुआ शाह मीर ने कोटा रानी के पूरे परिवार की हत्या कर दी। मिस्र की रानी क्लियोपैट्रा इतिहास में एक ऐसी रहस्यमयी शख्सियत के रूप में दर्ज है जिनके रहस्य पर से पर्दा हटने का सिलसिला अभी तक थमा नहीं है। उनके बारे में कहा जाता है कि वो जितनी सुंदर और सेक्सी थीं, उससे कहीं ज्यादा वो चतुर, षड्यंत्रकारी और क्रूर भी थीं। उनके कई पुरुषों से सेक्स संबंध थे। वो राजाओं और सैन्य अधिकारियों को अपनी सुंदरता के मोह में बांधकर उनको ठिकाने लगा देती थीं। यहां तक कि सिंहासन के लिए उसने अपने भाई बहन तक को जहर देकर मार डाला। इतिहासकार मानते हैं कि उसने सर्प से खुद को कटवा कर आत्महत्या कर ली थी, और कुछ मानते हैं कि उनकी मौत मादक पदार्थ के सेवन से हुई थी। बहरहाल आइए जानते हैं इस रानी की कहानी। जूलियस सीजर जनरल मार्क एंथोनी के बाद क्लियोपेट्रा ने ऑक्टेवियन को भी अपने रूप जाल में फंसा कर खुद की जान बचाई थी। हालांकि उनकी ये चतुराई ज्यादा दिनों तक काम नहीं आई। नूरजहां 17वीं शताब्दी में मुगल सल्तनत की सबसे ताकतवर महिला थी। मुगल साम्राज्य को चलाने के लिए जब कोई सम्राट दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था, तब उसने कमान संभाली और रीढ़ बन गई। मेहरुन्निसा बादशाह अकबर की विधवा रानी सलीम बेगम की परिचारिका थी। यहाँ उसने धीरे धीरे रनिवास में सबका दिल जीत लिया। वो इतनी खूबसूरत थी कि उसकी सुंदरता के चर्चे फैलने लगे। मेहरुन्निसा को जहांगीर ने सबसे पहले नौरोज त्योहार पर देखा। देखते ही वो उस पर मोहित हो गया। जहांगीर ने मई 1611 में उससे विवाह कर लिया। वो उसकी 20वीं बेगम बनी। विवाह के बाद जहांगीर ने उसे नूर महल एवं नूर जहां की उपाधि प्रदान की। नूर जहां यानी सारे जहां की रोशनाई। नूर जहां में दिमाग भी था और सुंदरता भी। वो बेहद प्रतिभाशाली तो थी ही, साथ ही रनिवास में होने वाली चालों में भी माहिर होती चली गई। लिहाजा जहांगीर के करीब भी आती गई। जल्द ही वो बादशाह बेगम बना दी गई। इस मलिका ने हर समय के अनुकूल खुद को बेहतरीन तरीके से ढाला। जहांगीर के शासनकाल में असली सत्ता नूर जहां के हाथों में थी। जहांगीर तो बस उसके हुस्न का गुलाम बना अपने दिन काट रहा था।